गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू क्लासेस। आज हम क्लास फोर के बच्चों को मैथ पढ़ाने वाले हैं। फोर के बच्चों जो थ्री से फोर में गए हैं उनको आज हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था उसी का रिव्यू थोड़ा सा कर दे रहे हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे कॉन्सेक्यूटिव नंबर। क्या पढ़ाएंगे? कॉन्सेक्यूटिव नंबर। इस नंबर को आप लोग भी लिख के और दोहराएंगे, इसका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, सी ओ एन एस ई सी यू टी आई डी ई। कॉन्सेक्यूटिव क्या है? कॉन्सेक्यूटिव नंबर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या है? किसी भी नंबर का यानी कि किसी भी संख्या का एक चेन, मतलब लगातार आने वाला संख्या, लगातार जो आने वाला संख्या है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेक्यूटिव का स्पेलिंग जरूर याद कीजिएगा, कॉन्सेक्यूटिव सी ओ एन एस ई सी यू टी आई वी ई ए, सॉरी ए नहीं, फिर से रिपीट कर लीजिए, सी ओ एन एस ई सी यू टी आई वी ई, कॉन्सेक्यूटिव। तो आज हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर पढ़ेंगे। जैसे देखिए 997, तो 997 का कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा? यानी कि अभी कुछ देर पहले बताया, लगातार चलने वाला संख्या जो है उसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जैसे 997, 998, 999, 1000, यानी कि जो ये चेन चल रहा है, ये लगातार जो संख्याएं आ रही है इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर फिर से एक बार जान लीजिए, ये क्या है? कॉन्सेक्यूटिव नंबर, संख्या जो निरंतर लगातार चलते रहे, किसी भी संख्या का बाद वाला संख्या लगातार चलते रहे उसे हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। यहां हम आपको कुछ कॉन्सेक्यूटिव नंबर दे रहे हैं, उसको आप लोग लिख के और उसको पहले पेज में लिखिएगा नाम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद क्लास लिखिएगा, उसके बाद डे वन यानी कि आज पहला दिन है तो डे वन लिखिएगा, और जो भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करके और इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज हम कुछ कॉन्सेक्यूटिव नंबर दे रहे हैं जो कि आपको बनाना है। इसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा ये आपको यहां दिया जा रहा है, इसको लिख लीजिए 1056, 189, 89। एक कुछ नंबर दिया हुआ है यहां पे, इसको आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिखना है, 125 का, 1056 का, 199 का और 89 का। फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको कि आप एक पेज पे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद क्लास लिखेंगे और आज कौन सा डे है, आज पहला दिन पढ़ाई हो रहा है तो डे वन लिखेंगे और उसके बाद ये सारे प्रश्नों का हल करके और इस नंबर पे आप सेंड करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम चलते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है उसका रिव्यू करते रहे। एक्सपेंडेड इसका भी स्पेलिंग आप लोग याद कर दीजिएगा, EXPANDED। पहले हम दिए थे कॉन्सेक्यूटिव, ये भी नंबर जो ये वर्ड है इसको याद कर लीजिएगा और एक्सपेंडेड ये भी कॉन्सेक्यूटिव और एक्सपेंडेड दोनों का स्पेलिंग 10 बार इसको लिखिएगा और 10 बार उसको लिखिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए एक्सपेंडेड क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि उसको विस्तार से लिखना, विस्तारित रूप, क्या होता है विस्तारित रूप। जैसे 155 तो 155 को विस्तारित करना है, यानी कि 1 है तो ये हो गया 100, ये 5 है तो ये हो जाएगा 50 और ये 5 है सिंगल डिजिट तो यह 5, यहां 50 क्यों लिखे हैं क्योंकि वंस टेंस के स्थान पे 5 है इसलिए 50 हो गया, टेंस के स्थान पे क्या है 5 है इसलिए 50 और ये 100 के स्थान पे है इसलिए 100, तो ये आपका विस्तारित रूप हो गया 150 + 5 यानी कि 155, ये क्या हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ये 150 जो नंबर है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर से रिपीट कर लीजिए EXPANDED एक्सपेंडेड, 5 बार बोलिए मेरे साथ EXPANDED एक्सपेंडेड EXPANDED एक्सपेंडेड EXPANDED एक्सपेंडेड EXPANDED। अब आप लोग इसको दोहराएंगे, ठीक है। अब यहां कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म दे रहे हैं जो कि उसको भी ठीक उसी तरीका से पेज में नेक्स्ट पेज में मतलब उसी तरीका से नाम और ये आपका सब्जेक्ट क्लास और डे वन और इसी मोबाइल नंबर तो जानती है लेकिन नेक्स्ट पेज में इसको लिखेगा। Write in expanded form. 1 2 1 1 3 4 5 1 0 0 0 ये देखिए राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको जितने भी नंबर जो दिए गए हैं यहाँ पे संख्या जो दिया गया है उसका विस्तारित रूप लिखना है यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना 199 तो ध्यान रखिएगा पहले प्लेस देखिएगा कौन सा प्लेस में कौन सा डिजिट है, अगर ये जान जाएगा तो आप अच्छा से विस्तार कर पाइएगा। तो यहाँ 9 है ये 1 डिजिट में है
यहाँ नाइन है वो 10 डिजिट में है और यहाँ 1 जो है वो 100 डिजिट में है, तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, 190 प्लस 9, फिर यहाँ देखिए 245, तो 5 कहाँ पे है, 1 प्लस में है, 4 कहाँ है, 10 प्लस में है, और 2 कहाँ है, 100 प्लस में है, तो इसका विस्तारित फिर क्या हो जाएगा, 245, ठीक है। इसी तरीका से आप इसको बना लेंगे, यह है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। याद रखिएगा दो वर्ड हम आपको दिए हैं, पहला है कॉन्सिक्यूटिव, पहला क्या है कॉन्सिक्यूटिव, जिसका स्पेलिंग है CONSECUTIVE कॉन्सिक्यूटिव, और दूसरा है EXPANDED एक्सपेंडेड, ये दोनों का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा और ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको बना लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।